नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन, सातवें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी। मंत्रिमंडल ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी, जिससे केंद्र सरकार के 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन धारकों के अच्छे दिन आ गए हैं। वेतन भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशन धारकों का फायदा होगा। आयोग ने वेतन भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55% वृद्धि की सिफारिश की है। इसको लागू करने पर सार्वजनिक खजाने पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद के करीब 0.7% के बराबर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसमें केंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह करने की सिफारिश की गई है। फिलहाल यह 7,000 रुपए मासिक है। इसी तरह उच्चतम वेतन बढ़ाकर 2.5 लाख करने की सिफारिश की गई है, जो फिलहाल 90,000 रुपए है। हैदराबाद में आईएस से जुड़े 11 संदिग्ध हिरासत में। एनआईए ने हैदराबाद में कई स्थानों पर छापा मारकर आईएस से जुड़े 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों के पास से भारी मात्रा में करेंसी, हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हैदराबाद ओल्ड सिटी में कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए का कहना है कि तलाशी अभी जारी है। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने से नहीं आएगा कोई बड़ा बदलाव, ओबामा ने कहा। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन या यूरोपीय संघ के भविष्य को लेकर उठ रही चिंता को कमतर करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि नए घटनाक्रम की वजह से कोई बड़ा या क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें लगता है कि पूर्ण यूरोपीय एकीकरण की परियोजना कुछ समय के लिए थम गई, इससे ज्यादा वह कुछ नहीं कहेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी बोले, प्रचार मेरे पीछे भागता है, मैं नहीं। भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को कहा कि वे प्रचार के पीछे नहीं भागते, बल्कि प्रचार उनके पीछे बेतहाशा भागता है। और इस संदर्भ में उन्होंने अपने दरवाजे के बाहर खड़े बहुत से मीडिया कर्मियों का हवाला दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी की कुछ टिप्पणियों को खारिज करते हुए इसे प्रचार पाने का हथकंडा बताया था। उन्होंने कहा कि वे मोदी के समर्थक हैं और उनके हौसले की दाद देते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने उन्हें उकसाने के लिए जानबूझकर झूठी खबरें छापने के लिए मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक अन्य ट्वीट कहा कि प्रेस्टिट्यूट्स हर रोज जानबूझकर झूठी कहानियां बनाते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि मैं उनके उकसावे में आकर जवाब दूंगा। दिल्ली के स्कूल में लड़की से सामूहिक बलात्कार। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में एक निजी स्कूल के परिसर में 17 वर्षीय लड़की के साथ उसके दोस्त और सुरक्षा गार्ड ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। अपनी शिकायत में लड़की ने पुलिस को बताया कि उसका दोस्त उसे नौकरी का झांसा देकर स्कूल ले गया था। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।